विदिशा कांग्रेस विधायक और असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से रेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था। गांधी चौक निमतार पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता विदिशा रेलवे स्टेशन पहुंचे। जीआरपीएफ के साथ विदिशा पुलिस ने घेराबंदी करके स्टेशन के अंदर जाने से कांग्रेस जनों को रोक लिया। बहुत देर तक कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झुमाझटकी हुई तथा बाद में विधायक द्वारा एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा और रेलवे स्टेशन अधीक्षक सीपी दीक्षित को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। पुलिस ने विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के बीच कांग्रेस नेत्री आशा सिंह राजपूत अकेले स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के प्रयास के दौरान गिरफ्तार कर ली गई। आज गांधी जयंती का दिन है और बड़े हिंदुस्तान के लिए बड़े शुभ दिन है आज कि आज के दिन हमारे दो लोग फूल इस हिंदुस्तान में अवतरण हुए थे, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी तो रेल मंत्री भी रहे। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात की मांग कर रहा है कि सभी ट्रेनों में सामान्य को जनरल बोगी लगाई जाए, क्योंकि आज आम आदमी, आम नागरिक, हमारे विद्यार्थी वर्ग तमाम लोग परेशान हैं। अपने कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो अपडाउनर्स हैं उनको एमएसटी लागू नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि प्रत्येक ट्रेन के सामान्य कोच लगाए जाएं। हमारी मांग है कि सामान्य श्रेणी में सफ़र करने वाले पूर्व टिकट बंद की बाध्यता समाप्त की जाए और टिकट खिड़की पर टिकट मिला के अपडाउनर्स को एमएसटी प्रत्येक ट्रेन में लागू किया जाए। अभी एक दो ट्रेनों में किया है जो कि ऊँट के मुँह में जीरा है। करीब 30 से 40 हज़ार लोग हमारे यहाँ से अप डाउन करते हैं और एक ट्रेन मात्र है जिसमें पूर्ति नहीं होती, लिहाजा उन लोगों को बस से जाना आना पड़ता है। और आप जानते हैं कि डीजल इतना महंगा है कि पूरी तनख्वाह के आधा और 60% तनख्वाह डीजल में व्यय हो रही है, उनकी आने जाने में व्यय हो रही है। इसलिए सभी ट्रेनों में एमएसटी लागू किया जाए, ये सबसे पहली हमारी मांग है। क्योंकि हमारा आम नागरिक बहुत परेशान है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में जो सुविधा पहले मिलती थी कंसेशन की 50% वो मिले, हमारे स्टूडेंट्स को मिलती थी, हमारे और सभी नागरिकों को, पत्रकारों को, सबकी सुविधाएं बंद कर दी हैं, उनको पुनः बहाल किया जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मोदी से आग्रह है कि हिंदुस्तान में रेल सेवा के नाम से रेल मंत्रालय जाना जाता है, रेल मंत्रालय धंधा करने के हिसाब से नहीं जाना जाता। रेल सेवा है और गरीबों की सेवा करना रेल का फर्ज है। पुरानी जितनी भी सरकारें आईं, अंग्रेजों की सरकार से लेके आज तक की जो सरकारें आईं, उनने रेल सेवा को बहाल रखा आम नागरिकों के हित में और आम नागरिकों को सुविधा प्रदान की। लेकिन ये पहली निकम्मी सरकार है मोदी की जिसने आम नागरिकों को सुविधा से वंचित किया है। आज गांधी जी की अवतरण दिवस है, महात्मा गांधी से को माला पहनाई, उनसे प्रार्थना की कि जो हम आंदोलन आज करने जा रहे हैं रेल भरो, इससे केंद्र में बैठी सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो और ये गरीबों के हित की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें हम सफल हों और लोगों ट्रेनों की आवाजाही बढ़े। ये कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक ज्ञापन देने की योजना थी और इनकी जेल रेल भरो की भी एक योजना थी। इनकी मांग ये थी कि सामान्य कोच चालू किए जाएं और विंडो से सीधे टिकट जैसे पहले जारी होते थे वो जारी किए जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो उनसे यहाँ इनकी गिरफ्तारी चल रही है क्योंकि ये वहाँ जाने की जिद कर रहे थे तो हमने उन्हें जाने से रोक दिया है। और ये नियम विरुद्ध होता यदि ये लोग बिना टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी प्रवेश करते, तो नियम विरुद्ध कार्य करने से उनको रोका गया है और उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर ये रेल भरो आंदोलन का आंदोलन था जिनका, जिसमें ये नीमताल से गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात वहाँ से तिलक चौक से कोतवाली होते हुए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इनको बाहर ही, रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक दिया गया था और इसमें इनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जमात मुचलके पर इनको रिहा किया गया। इनकी अपनी मांग थी कि जो जनरल कोच हैं वो लगाए जाएं, एमएसटी की सुविधा चालू की जाए, इस तरीके की इनकी मांगें थी। चूँकि वो रेलवे से रिलेटेड मांगे हैं तो उससे रेलवे के अधिकारी को अवगत करा दिया गया, स्टेशन मैनेजर के द्वारा यहाँ पर आकर के इनका ज्ञापन भी लिया गया है और इनकी जो मांगे हैं उसके लिए वो अपने रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास लोग थे, ये 80 से 100 के बीच में थे, तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जमानत पे रिहा किया गया। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।